नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटी कौन था बंदा जो गारंटी ले रहा है बंदे की, है ना, ठीक है, यानी जो गारंटर है, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी और उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक तो होगी, वो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 128 में। तो कहता है द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा भैया जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो जो प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर कौन है, जिसकी गारंटी ली है, उसके साथ साथ चलेगी, ठीक है, साथ साथ ही चलेगी। अगर वो नहीं देगा तो भाई देने पड़ेंगे ना, ठीक, या फिर अगर उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखी है या फिर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में अलग बात की है तो बात अलग है, लेकिन वैसे साथ साथ चलेगी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ अ सेकेंडरी नेचर एज ही इज लाइबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा, जब भी तो पेमेंट करेगा, तो उसकी लाइबिलिटी कौन सी है, सेकेंडरी है। ये जो सेकेंडरी प्राइमरी ये सारी बातें याद कर लेना, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू आएंगे तो ये सेकेंडरी प्राइमरी के बहुत आएंगे क्वेश्चन। वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो सीजे। कहता कि मान लो जो डॉक्यूमेंट बनाया था पेमेंट का, वो ऐसा बनाया था कि जो प्रिंसिपल डेटर है वही फ्री हो गया, वही डिस्चार्ज हो गया, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो सिंपल। अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। तो जो बंदा, जो क्रेडिटर है जिसको पेमेंट मिलनी है, वो चाहे तो सीधा श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात नहीं कही गई है तो, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखो जी। ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। ए ने गारंटी ली है किसकी, द एक्सेप्टर, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, नहीं सी की ली है गारंटी, तो दी है उसने बी को, किसके अगेंस्ट दी है, सी के अगेंस्ट दी है, और जो बिल हो गया डिसऑनर्ड हो गया सी का। ए इज लाइबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेज विच मे हैव बिकम ड्यू ऑन। तो ए को जो भैया उसकी पेमेंट तो देनी पड़ेगी बिल की, साथ में कोई अगर चार्ज वगैरह लगाया वो भी देना पड़ेगा, ठीक है, और बाद में वो पैसे उससे ले सकता है सी से। चलो, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी दो लोगों पे है, प्राइमरी लाइबल है और दूसरा बंदा जब है, जब दूसरा बंदा, पहला बंदा डिफॉल्ट करेगा। वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी लेने जा रहे हैं, वो सर्टेन है वो लाइबिलिटी, दो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड पर्सन से किसी लाइबिलिटी को लेने के लिए, लोन ही ले रहे हैं एक तरीके से, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर। और आपस में उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया है कि भैया तू ही देगा पैसे अगर पेमेंट नहीं हुई तो। दो बंदे मिलके जा रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि तू देगा पेमेंट अगर डिफॉल्ट हुई तो, ठीक है। दोबारा पढ़ू, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल, वन ऑफ देम शैल बी लाइबल अगर डिफॉल्ट होती है। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पर्सन को तो इस बारे में नहीं पता ना, थर्ड पर्सन इस बारे में इसकी पार्टी है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑल दो सच पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि भैया जो थर्ड पर्सन है उसके लिए तो ये बंदे लाइबल रहेंगे रहेंगे, इनका आपस में कुछ भी एडजस्टमेंट है, थर्ड पर्सन तो दोनों में से किसी से भी मांग सकता है, वो दोनों में से कोई भी फ्री नहीं होगा, बेशक उसको इस बारे में पता भी है। तभी इन दोनों ने आप, भाई तुम दोनों मिलने के लिए मिल के आए, ये हमें 10,000 रुपये दे दो, मैं दे दिए, आपस में एडजस्टमेंट करिए, बस सल देगा पेमेंट, मुझे इससे कोई लेना नहीं है, मैं तो तुमसे ही मांगूंगा, ये है बात। मतलब एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी मेक अ ज्वाइंट एंड सेवरल प्रॉमिसिंग नोट टू सी। इन्होंने क्या बनाया, एक ज्वाइंटली बना दिया और एक अलग से बना लिया। ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी एंड सी नोज दैट एट द टाइम वेन द नोट इज मेड द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू सूट फॉर सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। तो भैया ये वही बात कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ए के खिलाफ ही होगा, बी के खिलाफ भी कर सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि श्योरिटी की गारंटी कब खत्म हो जाएगी। तो आ श्योरिटी सेट टू बी डिस्चार्ज व्हेन हिज लाइबिलिटी एज श्योरिटी कम्स टू एन एंड द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी आर डिस्कस बिलो। पहला, बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, भाई खत्म हो गया, रिवोकेशन हो गया, वापस हो गया। बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर
की वजह से हो सकता है खत्म, और बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वही इनवैलिड हो गया, वॉइड हो गया। तो इन तीनों चीजों में वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो जी इसको पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो पहला है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, बाय रिवोकेशन ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहला है इसके अंदर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस सेक्शन 130। कंटिन्यूइंग गारंटी तुम्हें पता थी क्या थी, कि भाई ये जितनी बार भी सामान खरीदने के लिए आएगा टेंशन ना लियो मैं बैठा हूँ, तो कंटिन्यूइंग गारंटी थी। ठीक है, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कंटिन्यूइंग गारंटी में एक फिक्स अमाउंट भी हो सकता है ना, कल पढ़ा था हमने। तो वो जैसे कि उसने दिया था एग्जाम्पल कि भाई ये 10,000 तक की चीज़ कभी भी लेगा तो मैं दूंगा, वो बंदा जाके 20,000 की लेके आ गया था, तो 10,000 ही पेमेंट करेगा वो। तो द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय द नोटिस टू द क्रेडिटर। तो भैया वो कभी भी वापस ले सकता है, क्रेडिटर को दिख देगा कि भाई ये आगे से कुछ भी खरीदेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अभी तक की पेमेंट मैं सारी तरह करवा दूंगा पर आगे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो वो कभी भी रिवोक कर सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी को, कैसे, नोटिस भेजेगा क्रेडिटर को। वंस द गारंटी इज रिवोक्ड द श्योरिटी इज नॉट लाइबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजेक्शन। एक बार गारंटी वापस हो गई तो श्योरिटी किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा, हाउएवर जो भी पिछली ट्रांजेक्शन हुई थी उनके लिए वो लायबल रहेगा, ही इज लायबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैपेंड बिफोर द नोटिस वाज गिवन। अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अक्रूड। यानी मान लो उसने कोई स्पेसिफिक गारंटी ले रखी है किसी काम के लिए, ठीक है, तो वो कब फ्री हो सकता है, जब उसने वो लाइबिलिटी ली ही ना हो, ठीक है ना, डेटर लेके नहीं आया तो भैया वो फटाफट गया भैया मैं तो गारंटी ऑफर ले रहा हूँ, ले सकता है, लेकिन उसने सामान ले लिया होगा तो देने पड़ेंगे पैसे, फिर नोटिस काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो, अरुण प्रॉमिसेस टू पे रामा फॉर ऑल ग्रोसरी बोर्ड बाय कैरोल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इफ कैरोल फेल्स टू पे। तो अरुण ने जो है रामा को गारंटी दी है कि भाई कैरोल जो है तेरे से कभी भी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए आएगी 12 महीने तक मैं दूंगा उसकी पेमेंट, अगर कैरोल नहीं देती है तो। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कैरोल बाय ₹2,000 वर्थ ऑफ ग्रोसरी। तो अगले 3 महीने तक उसने कितने के खरीद दिया, ₹2,000 का ग्रोसरी खरीद ली 3 महीनों में। आफ्टर 3 मंथ्स अरुण वी रिवोक द गारंटी बाई गिविंग अ नोटिस टू रामा। अब उसने वापस ले ली, अब बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, 3 महीने की देर तीन बाद महीने के लिए लाइबल रहेगा, और आगे जो वो फर्दर खरीदे जाते, इसने फर्दर खरीद लिया 1,000 रुपये की ग्रोसरी और पेमेंट नहीं दी, तो अरुण जो है सिर्फ 2,000 रुपये के लिए लाइबल होगा, पिछले अगले 1,000 रुपये के लिए वो लायबल नहीं होगा। चलो अब आ गया रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेट डेथ, मर गया जी श्योरिटी सेक्शन 131। श्योरिटी मर गया तो गारंटी के पैसे कौन देगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट एज रिवोकेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एड टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ श्योरिटी। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन की डेथ के बाद जो भी होंगी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रेरी नहीं बना, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना दिया कि अगर मैं मर गया तो उसके बाद मेरा बेटा देगा, तो कॉन्ट्रेरी कर गया उसका बेटा देगा, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रखा तो फिर वो रिवोकेशन हो जाएगा, वो सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और जो भी ट्रांजेक्शन उसकी डेथ के बाद होंगी उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा, उससे पहले वो होगी पेमेंट उसकी। तो हाउएवर द श्योरिटी एस्टेट रिमेन्स, आगे बात, हाउएवर द श्योरिटी की जो एस्टेट है रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ ऑफ द श्योरिटी। एग्जाम्पल, एस ने गारंटी ली है सी सी को कि फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन सी एंड पी, पी की गारंटी ली है सी को दी है फॉर द नेक्स्ट मंथ आफ्टर 5 डेज एस डाइड हो जाता है, नाउ गारंटी इज रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, बट एस 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 स्टेट इज स्टिल लाइबल फॉर ट्रांजेक्शन डन ड्यूरिंग प्रीवियस 5 डेज। अब भाई नोवेशन, नोवेशन का बताओ जल्दी से, कौन बताया, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेक्शन 22, द श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू ईदर बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द अदर पार्टी द कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ऑल कॉन्ट्रैक्ट। तो कैंसिल करना है रिवोकेशन कैंसिल करना, वापस लेना, वापस हो जाना, कैंसिल करना एक ही बात है, रिसाइंड होना। तो रिनोवेशन था कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं बेशक पुरानी पार्टी के आसपास में, या फिर वो बंदा नई पार्टी अगर कोई बना रहा है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो जो हमारा जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एस ने गारंटी दी सी को फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द बीट टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर नेक्स्ट मंथ आफ्टर 5 डेज द कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज, नाउ एस गारंटी सी फॉर द पेमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ राइस टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर
द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो जो पिछला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाला खत्म हो जाएगा, राइस वाला रह जाएगा। हेयर गांडे इज रिवॉर्ड फॉर सप्लाई ऑफ वेट बट एस इज स्टिल लाइबल फॉर द सप्लाई ऑफ वेट डन ड्यूरिंग प्रीवियस 5 ईयर। अब आगे बात बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे कि जो है श्योरिटी एग्री नहीं कर रहा, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट दिया है बाय वेरियंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेरियंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस लाना, वेरियंस का मतलब। चेंजेस तो अगर वो क्रेडिटर कर रहा है तो श्योरिटी भी मना कर सकता है, भाई मैं तो नहीं कंसेंट देता, ठीक है, या फिर कंसेंट लेके करेगा फिर तो एग्री, फिर तो रहेगा सेक्शन 133। वेयर देयर इज एनी वेरियंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, यानी प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर ने आपस में कोई वेरियंसेस कर लिए, चेंजेस कर लिए, वेरिएशन डाल दिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में और श्योरिटी को बताया नहीं, श्योरिटी से कंसेंट नहीं लिया, तो इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरियंस। उस चेंजेस के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल है ए बिकम श्योरिटी टू सी फॉर बीज कंडक्ट एज ए मैनेजर इन सीज बैंक। तो ए ने जो है सी को गारंटी दी कि बी जो तेरे यहाँ पे आके काम करेगा बैंक में उसकी गारंटी मैं देता हूँ। आफ्टरवर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज कंसेंट दैट बीज सैलरी शैल बी रेज्ड, और आपस में उन्होंने फिर बाद में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि बी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी एंड दैट ही शैल बिकम लाइबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट, और वो जो भी ओवरड्राफ्ट में लॉसेस होंगे उसका 1/4 का वो लाइबल रहेगा। आपस में इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, बी अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ एंड द बैंक लॉसेस अ सम ऑफ मनी। अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जो है ओवरड्राफ्ट दिया एक कस्टमर को और वो पैसे नहीं आए वापस, बैंक को लॉस हो गया। ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी शिप बाय द वेरियंस मेड विदाउट द कंसेंट एंड इज नॉट लाइबल टू मेक गुड दिस लॉस, तो वो लाइबल नहीं रहेगा इस नुकसान के लिए। आई बात समझ में? हाँ, कंसेंट नहीं थी उसने। बी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने भैया उसको फ्री कर दिया है इसको प्रिंसिपल डेटर को, तो श्योरिटी तो अपने आप हो जाएगा। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय इफ द क्रेडिटर एंटर्स इनटू अ फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज और डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो कह रहा कि मान लो उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया किस चीज़ का, प्रिंसिपल डेटर को रिलीज करने का, या फिर उन्होंने कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी ओमिशन कर दी उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से प्रिंसिपल डेटर फ्री हो जाता है, तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, सी गारंटी लेता है एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर, सी ए डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी। तो बी जो है वो लाइन डालना भूल जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं टिम्बर दूंगा, या भी वो टिम्बर देना भूल जाता है, दोनों ही हालत में वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ए गिव्स अ गारंटी टू सी फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर टू बी, ए ने गारंटी दी सी को कि बी के पास जो तो सामान भेजेगा उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा। लेटर ऑन बी कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू असाइन हिज प्रॉपर्टी टू सी इन लियू ऑफ द डेथ। अब बी और सी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो भी उधार है उसके बदले में तेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, तो बी जो है डिस्चार्ज हो गया और अपनी लाइबिलिटी से, तो ए भी डिस्चार्ज हो जाएगा गारंटी से। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर टाइम पीरियड बढ़ा देता है उधार का, या फिर वो उसको जो है कहता मैं तेरे पर केस नहीं करूंगा, तो चेंजेस ही एक तरीके से, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद और प्रॉमिस टू गिव टू टाइम टू और प्रॉमिस नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी कंसेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लेकिन अगर इस चीज के लिए श्योरिटी दे देता है, ओके कर देता है, कंसेंट दे देता है, तो फिर वो फ्री नहीं होगा। रिचार्ज करें, रिचार्ज क्या, नहीं करूंगा रिचार्ज जब तक तुम मेरे को फोन नहीं करोगे, जियो वाले मैं उनका रिचार्ज नहीं कर रहा। वो भी तो आया कि भाई जब मैंने जियो का सिम लिया तो मैं फैमिली मेंबर बन गया आपका, कहते हाँ जी बन गए, तो फिर मुकेश अंबानी मेरे को शादी में क्यों नहीं बुलाया, मैं तो BSNL में वो कर रहा हूँ पोर्ट। चलो, कंपोजिशन इफ द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद द प्रिंसिपल लेटर,
विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी। तो क्रेडिटर क्या कर रहा है, कंपोजिशन कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के साथ, क्या कर रहा है, द लेटर डेट डिस्चार्ज, ऐसे ये नहीं बताया क्या कंपोजिशन कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो जो हमारा जो श्योरिटी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कंपोजिशन इनवेटेबली इन्वॉल्व वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्टेंट एंड देयर फॉर द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो कंपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके वेरिएशन आ रहे हैं, अभी हम वो लोग ऊपर पड़ गए हैं, कोई भी वेरिएशन होता है ओरिजिनल कॉन्टेंट में तो श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। प्रॉमिस टू गिव टाइम, व्हेन द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द गारंटेड डेट कम्स द श्योरिटी हैज द राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल डेटर टू पे ऑफ द डेट। अकॉर्डिंगली इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द क्रेडिटर टुवर्ड द श्योरिटी नॉट टू अलाउ द प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम फॉर पेमेंट। पर सिंपल से आता है, वो कहता भाई अगर इसने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दिया तो भाई मैं दूंगा, अब वो कहता चल तो भाई चल भी तू मेरे को 2 महीने दे दियो, तो 1 महीने बाद तो गारंटी खत्म हो गई। आई बात समझ में, उसने तो 1 महीने की गारंटी दी थी ना, वो 2 महीने की गारंटी क्यों देगा, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस नॉट टू सू इफ द क्रेडिटर अंडर एन एग्रीमेंट है विद द प्रिंसिपल डेटर प्रॉमिस नॉट टू सू हिम द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। जब भाई तू तो प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं करेगा तो श्योरिटी पे कैसे केस कर सकता है। ठीक है, द मेन रीजन इज दैट द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल डेटर टू पे ऑफ द डेट व्हेन इट इज ड्यू, एंड दिस राइट इज पॉजिटिवली वॉलिडेड व्हेन द क्रेडिटर प्रॉमिसेस नॉट टू इश्यू द प्रिंसिपल लेटर। तो कहता भैया मेन रीजन ये है कि श्योरिटी के का ये है कि जब भी टाइम खत्म होगा तो पैसे मांग लेगा, लेकिन वो केस ही नहीं कर रहा तो पैसे नहीं मांग रहा, तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो केसेस जहाँ पे हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। पहला, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा अगर एग्रीमेंट होता है थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने पे, लेकिन कब बताओ, वेयर अ क्वांटिटी टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन। क्रेडिटर बना रहा है थर्ड पर्सन के साथ, प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। एग्जाम्पल, सी द होल्डर ऑफ एन ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाई ए एज श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाई बी कॉन्टेड विद एम टू गिव टाइम टू बी ए इज नॉट डिस्चार्ज। उसको बोला ना इसको टाइम दे दे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपस में तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे ना वो। क्रेडिटर्स फॉर फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मेयर फॉर फॉरबियरेंस क्या होता है, डाउट आ रहा है मेरे मन में इसके बारे में, देख लेता हूँ। फॉरबियरेंस मीनिंग खुल जा, अ रेफरिंग फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ समथिंग सच अ डेट राइट और ऑब्लिगेशन दैट इज ड्यू द पॉलिसी प्रोवाइडर बिगिंस, वैसा मतलब इसका वो होता ना सब्र करना, वही है मतलब तो शैंस यूपा, यहाँ पे क्या मतलब है, तो भी यहाँ पे कह रहा है क्रेडिटर्स क्या कर रहा है, वो डिले कर रहा है केस करने में। इसका मतलब यह है कि क्रेडिटर जो है डिले कर रहा है केस करने में, देर कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं रहा है, करेगा पर कुछ सबर कर रहा है। मेयर फॉर बिजनेस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर इट टू सी द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्रेरी डिस्चार्ज द सिक्योरिटी। बी वॉज टू सी अ डेट गारंटेड बाई ए द डेट बिकम्स पेबल, सी डज नॉट सू बी फॉर अ ईयर आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल, ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी सी। तो वहां पे देखो असल में यहाँ पे बात डिफरेंस क्या आया, अब वो 1 साल तक जो है केस नहीं कर रहा, और पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि भैया 1 महीना भी ज्यादा हो जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन नहीं कैसे भाई, वो बता के, वो बताने वाली बात है, अगर वो प्रिंसिपल डायरेक्टर को कह रहा है कि भैया मैं तेरे को केस नहीं करूंगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज होएगा, यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ कह रहा है मैं बाद में कर दूंगा केस, अब 1 साल बाद कर पैसे, वो कह रहे हैं वो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल डायरेक्टर को ये नहीं कहा कि मैं केस ही नहीं करूंगा, करेगा पर अभी संयम से बैठा है, फोर बियर में बैठा हुआ है। आगे, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। डिस्चार्ज कर रहा है श्योरिटी कैसे,
क्रेडिटर का कोई काम है या फिर क्रेडिटर कुछ भूल गया है, इम्पेयरिंग करना, देखते ही। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जो कि इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी है, और ऑमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज हिज ड्यूटी टू द श्योरिटी। अब देखो क्रेडिटर की श्योरिटी के लिए क्या ड्यूटी होगी बताओ। एक क्रेडिटर श्योरिटी कौन है, गारंटर है, मान लो ए एक गारंटर है, उसने बी की गारंटी ले रखी है और सी को दे रखी है कि भाई बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा, तो सी की क्या जिम्मेदारी है ए के लिए? आसान सा क्वेश्चन है, सोच इतना देखो। जो उसकी जिम्मेदारी होगी प्रिंसिपल डेटर की, वही अरे उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि अगर वो बंदा पेमेंट नहीं करता है तो वो नोटिस भेजेगा उसको, हो गया श्योरिटी तेरे बंदे ने पेमेंट नहीं दी, उसको नोटिस में नहीं लगेगा कि भैया पेमेंट नहीं रहा, मेरे को पेमेंट दे, और वही अगर नहीं करता तो रिक्वायर हिम टू डू एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड द श्योरिटी डिस, और या फिर वो जो है उसको क्या नाम है प्रिंसिपल डेटर को रेमेडी दे रहा है। रेमेडी क्या होता है, उपाय होते हैं, इलाज हो रहे हैं, वो उसको बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, तो भी वो छोटी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इन केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ बैंक ग्रांटेड अ लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक इन द गोडाउन, बैंक ने क्या किया, एक लोन दिया किस बिहाफ पे जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा होगा। द लोन वॉज ऑल्सो गारंटेड बाय द श्योरिटी, अब उसकी लोन की गारंटी भी थी। द गुड्स वर लॉस फ्रॉम द गोडाउन ऑन अकाउंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक ऑफिसर, बैंक ऑफिसर की गलती की वजह से क्या हुआ, सारे के सारे चोरी हो गए। द श्योरिटी वाज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक 16, तो यहाँ पर जो उसको एक्ट करना था, ठीक है, सुनो क्या क्या थी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट थी कि भैया वो उसको बचा के रखेगा, ठीक है, और वो बिक गया। तो ये क्या केस है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्तरंजन रंगनाथ राजा। एग्जाम्पल देखो, ए पुट्स एम एन एज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या होता है, जो जो बंदे ट्रेनिंग पे लगते हैं, टू बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर फॉर एम्स फिडेलिटी, बीच प्रॉमिस ऑन हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश, बी ओमिट टू सी दिस डन एज प्रॉमिस एंड एम एम्बेजल, एम्बेजल मतलब चुरा लेना, ए इज नॉट लाइबल टू बी ऑन हिज गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गारंटी थी कि भैया एम जो वहाँ पे काम करेगा, कैश वगैरह का काम देखेगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि भैया वो कम से कम एक बार आके जो है उसको चेक कर लिया करेगा, और वो चेक ही नहीं करना है, एम ने वहाँ से चोरी कर ली, तो ये जो यहाँ पे लाइबल नहीं रहेगा। बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो इनवैलिडेशन तो पता है कोई भी गलती हो सकती है, जैसे यहाँ पे कह रहा है गारंटी ऑब्टेंड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेंड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मेटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। तो कहता कोई भी गारंटी जो कि ऑब्टेन की गई थी मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, किसने की है, क्रेडिटर ने, तो फिर वो और विद हिज नॉलेज एंड असेंट, और उसको पता होने के बाद उसने कर रखी है गड़बड़, तो जो है वो, और वो जो इम्पोर्टेंट चीज, वो जो ट्रांजेक्शन है मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो मटेरियल है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। सी सेल्स ए सी टू पी ऑन मिस रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज मेड ऑफ कॉपर वाइल इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो एज गारंटी फॉर द सेम एज श्योरिटी विदाउट विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम हेयर एज विल नॉट बी लायबल। गारंटी ऑप्टेड बाई कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब क्या, मतलब तुम्हें पता ही है छुपाना, एनी गारंटी विद द विच द क्रेडिटर हैज ऑप्टेड बाई मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मेटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। एग्जाम्पल, ए इंगेज है बी, ए इंगेज करता है बी को एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट एंड ए इन कंसिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूरी अकाउंटिंग, सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बी ड्यूरी अकाउंटिंग, ए डज नॉट एक्वेंट सी विद बीज प्रीवियस कंडक्ट, बी आफ्टर वर्ड मेक्स डिफॉल्ट द गारंटी इज वैलिड। तो क्या है ये केस, ए ने रखा बी को क्लर्क के तौर पर, क्या करना उसने, पैसे कलेक्ट करने हैं, और बी जो है उसके बारे में अकाउंट जो भी उसने पैसे कलेक्ट किए उसके बारे में बता नहीं पाया, अकाउंट नहीं दे पाया, ठीक है। तो इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से उसने कहा कि भैया तो कोई सिक्योरिटी लेके आ, जब मैं तेरे को आगे काम को लगातार रखूंगा, तो सी ने वहां पे गारंटी दी बी की, ठीक है, और ए ने जो है जो उसने जो पीछे जो काम किया था
सी को कुछ नहीं, उसका ए डज नॉट एक्वेंट सी विद द पी, उसने क्या किया है पीछे, क्या गड़बड़ कर रही है उसके बारे में, उसके बारे में पता ही नहीं है, और बी ने फिर से डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो है गारंटी इनवैलिड है। मैंने यहाँ पर उसने सी को नहीं बताया ना, उसके जो पहले उसने बताया आगे था ए गारंटी टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी फॉर द अमाउंट ऑफ रुपी 2 लाख टन। तो वही लोहे वाला केस आ गया, कल हमने पढ़ा था एक, कि ए ने गारंटी दी है सी को कि जो भी तो उसको लोहा देगा बी को 2 लाख रुपये 2 लाख टन, उसकी पेमेंट मैं करूंगा। बी एंड सी हैव प्राइवेटली अग्रीड दैट बी शुड पे 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, और आपस में उन्होंने आपस में एडजस्टमेंट कर ले कि वो जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा पर टन के हिसाब से। सच एक्सेस टू अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ ऑल डेट, और वो जो है पुराने डेथ में लगा लेगा उस पैसे को। दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए इज नॉट लाइबल एज अ श्योर, तो एक यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं रहेगी। आगे आगे गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल कोस सिक्योरिटी जॉइंस, तो यहाँ पे क्या आ गई जॉइंटली आ गई। तो गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट, क्रेडिटर कब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक कि को सिक्योरिटी नहीं आता। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज जॉइंट इन इट एज को श्योरिटी, द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट पर्सन डज नॉट जॉइन। तो एस वन गारंटी लेता है सी की फॉर पेमेंट टू बी डन बाय पी टू सी ऑन द कंडीशन दैट एस वन विल गिव लाइबल ओनली इफ एस टू ज्वाइन हिम फॉर सच गारंटी, एस टू डज नॉट गिव हिज कंसेंट हेयर एस वन विल नॉट बी लाइबल। चलो तो आज इतना ही करेंगे, ठीक खत्म है ही हो गया फिर नो फिर हो जाएगी। कर ले को राइट ऑफ श्योरिटी कर ले। आर यू श्योर? नहीं करा रहा मैं, नहीं बता, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे।